आपका स्वागत है मेरी किचन में। देखिए, हमने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के आलू। ये कच्चे आलू हैं जिसे हमने काट लिया है, अच्छे से धो लिया है। और अब हमने यहाँ एक कढ़ाई में लिया है तेल और हम इसको डीप फ्राई करेंगे। गैस को हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको अच्छा गोल्डन सिकने देते हैं। ये देखिए, हमारे आलू अच्छे से हो गए हैं, इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। बस ये आलूओं को सिकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह से बड़ा ही आलू ले लेती हूँ और इसे दबा के देखेंगे तो ये देखिए अच्छे से अंदर से ये सिक चुका है। ध्यान रखिएगा, आप मीडियम टू लो गैस पर ही काम करिएगा। यदि आप तेज़ गैस पर करेंगे या मीडियम पर करेंगे तो आलू ऊपर से सिक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। यहाँ देखिए, हमने ली है 1 कप फ्रेश मलाई। आप चाहें तो इसकी जगह क्रीम भी ले सकते हैं। यहाँ हमने 5 टमाटर को मिक्सी में पीस के और छलनी में से छान लिया था। और यहाँ ही हमने लिया है किचन किंग मसाला। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में यहाँ हमने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग। और यहाँ हमने लिए हैं 5 से 6 काली मिर्च के दाने, 1 तेज़पात का पत्ता हमने लिया है। आप चाहें तो यहाँ एक दालचीनी स्टिक भी ले सकते हैं। हमने यहाँ दालचीनी की स्टिक नहीं ली है, दालचीनी का पाउडर लिया है 1 छोटा चम्मच। और 1 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच यहाँ हमने लिया है कसूरी मेथी। यहाँ हमने लिए है 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ हमने लिया है 1 चम्मच छोटा नमक। और यहाँ हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ हमने लिया है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। यहाँ देखिए, हमने सेम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। हम ऑयल का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें मलाई का भी यूज़ कर रहे हैं। और अभी एक गरम हो गया है, हमने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है। और ये जो खड़े मसाले हैं ये डाल देंगे हम इसमें, ये इस तरह से इसके, और थोड़ा सा इसको भुनने देते हैं। देखिए, मसाले भुन गए हैं। हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें, हल्दी पाउडर, गैस को बिल्कुल स्लो रखना है। ये लाल मिर्च पाउडर, ये हम इसलिए अभी डाल रहे हैं, इससे इसका कलर अच्छा आ जाता है जब हम इसे तेल में डाल देते हैं इस तरह से। और तुरंत हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। और ये दालचीनी पाउडर हम डालेंगे अभी, मिक्स कर लेते हैं इसे। और अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और इसे तब तक पकने देते हैं जब तक कि इससे तेल अलग नहीं हो जाता। ये देखिए, चेक कर लेते हैं, आप देख रहे हैं ग्रेवी पर ऊपर ये ऑयल आ चुका है, यानी कि हमारी ग्रेवी तैयार है। अब ये मलाई है, हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो मलाई को थोड़ा सा फेंट सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं फेंटना है वरना मक्खन आ जाएगा उस पर। और मैंने नहीं फेंटा है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाना है तब तक जब तक कि इसमें आपको ये बबल्स नहीं दिखने लग जाते यहाँ पर। ये देखिए, अब इसमें भी बबल्स बनने लगे हैं। इसे भी हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इससे तेल अलग नहीं हो जाता। यहाँ आपको तेल दिखने लगेगा ऊपर। गैस को हम स्लो कर देते हैं और इसे ढक देते हैं। ये देखिए, चेक कर लेते हैं इसे। और ये आप देख सकते हैं, मलाई में ऊपर यहाँ तेल दिखने लगा है। और ये कसूरी मेथी लेंगे, हल्का सा क्रश कर लेंगे, इसे डाल देते हैं। और ये हम इसमें डालने जा रहे हैं 1 चम्मच किचन किंग मसाला, मिक्स कर लेंगे इसे। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1/2 ग्लास पानी, मिक्स कर लेते हैं एक बार इसे। यदि आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखनी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक देते हैं और इसमें एक उबाल आने देंगे। गैस को हमें
अभी तेज़ कर देना है। ये देखिए अब इसमें उबाल आ गया है और इसमें आलू डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसे। और अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको होने देते हैं। देखिए अब चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है। और ये जो हमने इसमें डाले थे खड़े मसाले ये हटा देते हैं। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। सबसे लास्ट में डालेंगे गरम मसाला और ये हरा धनिया डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हरा धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप पराठे के साथ में, पूड़ी के साथ में, नान के साथ में, रोटी के साथ में भी खा सकते हैं। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। साथ ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।